Once again, I welcome you all to my channel. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. It is a constituent college of University of Allahabad. It is my email ID. My lecture will be bilingual, means beneficial for both Hindi and English medium students. The topic is Principles of Development. For more updates, kindly join Telegram group Explore Education. Subscribe my channel, and this video will be useful for UGC NET and other teaching examinations. Okay, so recently मैंने आपके संग वीडियो शेयर किया था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के जो चरण हैं, किन चरणों से होकर चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था का विकास, बालक किन चरणों से होकर प्रीनेटल डेवलपमेंट से लेकर डेथ तक की या ओल्ड एज तक की स्थिति में जाता है. फिर अब ये बात करनी है कि ये जो विकास है ये किन सिद्धांतों को फॉलो करता है, कौन से सिद्धांत हैं जो डेवलपमेंट जिनको फॉलो करता है. ओके, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत क्रिस्प है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. जितना छोटा है उतना ही ज्यादा पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे, और इससे एक दो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बन जाते हैं आपके एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में. तो ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है. क्या है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बट प्रोसीड्स एट अ डिफरेंट रेट, मतलब विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है लेकिन डिफरेंट रेट से प्रोसीड होती, मतलब हमेशा समान गति से नहीं चलती, कभी तेज कभी कम, धीरे कभी तेज कभी धीरे. जैसे कि आपसे कहा गया था पिछले वीडियो में, आपसे बात की गई थी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जो डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड है और उसके बाद स्लो हो जाता है ना. ये हम खुद भी महसूस करते हैं अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट्स के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में. देन इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब पहले सामान्य होता है और बाद में ये विशिष्ट होता जाता है. तो ये जनरल टू स्पेसिफिक का पैटर्न फॉलो करता है. एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, यानी हमारे विकास को, बालक के विकास को दो चीजें प्रभावित करती हैं, एक तो वो किस गति से परिपक्व हो रहा है और दूसरा वो कैसा सीख रहा है. मतलब कि अगर लर्निंग कम है तो भी डेवलपमेंट प्रभावित होगा और अगर वो मैच्यूरेशन नहीं है तो भी डेवलपमेंट प्रभावित होगा. यानी दोनों ही अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं विकास पे, कौन कौन, मैच्यूरेशन और एज वेल एज लर्निंग. फिर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सभी बालक एक ही प्रकार से उनका विकास होगा, नहीं, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है. हम पैटर्न जरूर सेम फॉलो करते हैं पर इंडिविजुअली वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर डेवलप्ड बाई डिफरेंट पेस, डिफरेंट रेट, डिफरेंट स्पीड. ओके, देन अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, यानी कि शुरुआती दौर का जो विकास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और क्रिटिकल भी है. ज्यादा यू कैन से कि मतलब थोड़ी सी भी त्रुटि उसमें बाद में ज्यादा दिक्कत कर सकती है आपको, बनिबस्त की जो बाद में विकास हो रहा है, जो बाद में डेवलपमेंट हो रहा है. फिर इट्स पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, कैसे प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हमको इसके स्टेजेस पता हैं. हमको पता है कि प्रीनेटल के बाद पोस्टनेटल आएगा, हमको पता है कि इन्फेंसी के बाद टॉडलरहुड आएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर मिडिल चाइल्डहुड आएगा, लेट चाइल्डहुड आएगा, एडोलेसेंस आएगा, एडल्ट आएगा. ओके, तो इसका पैटर्न प्रेडिक्टेबल है. देन इट इज पीरियोडिक, अंतराल पर चलेगा. फॉलो, ये देखिए ये जो है प्रोपोर्शन, इससे सवाल बनता है आपका. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो इस पर बेस्ड होते हैं, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये बहुत सवाल इससे पूछा जाता है. मिक्स एंड मैच भी पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग भी पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जाता है कि सिफेलोकॉडल लॉ क्या है और प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ क्या है. देखिए सिफेलोकॉडल लॉ क्या कहता है, मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फूट. कैसे हेड टू फूट, देखिए बच्चा जब पैदा होता है, बालक, तो सबसे पहले उसका सर जो है ना, हम लोग कहते हैं कि आप उसे संभाल कर पकड़िए, उसका सर अभी स्थिर नहीं हुआ है, फिर उसका सर स्थिर होता है, फिर धीरे 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 हाथ पैर के मूवमेंट वो करता है और फिर चलना देखिए सबसे बाद में शुरू करता है. ओके, तो सबसे डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फूट, सर से पैर की तरफ है ये ग्रोथ आप कह सकते हैं, ये डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, और इस लॉ को कहते हैं सिफेलोकॉडल. तो ये सिफेलोकॉडल लॉ फॉलो होता है. और प्रॉक्सिमोडिस्टल, देखिए प्रॉक्सिमल मतलब पास में, डिस्टल मतलब दूर में, यानी कि पास से दूर, या तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मींस डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फार, या आप कह सकते हैं
फ्रॉम सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स. मतलब हाथ बच्चा पहले चलाने लगता है, उंगलियों का मूवमेंट और ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बाद में सीखता है. ओके, देन अकर्स थ्रू आउट लाइफ. हमने पढ़ा है कि ग्रोथ जो है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, पर विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत है, निरंतर है, थ्रू आउट लाइफ है, जीवन पर्यंत है. देन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, समेकन या समेकित होने का नियम जो है वो फॉलो करता है, सिद्धांत फॉलो करता है डेवलपमेंट. कैसे? मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाथ डेवलप हो रहा है, पैर डेवलप नहीं हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, कोई और चीज डेवलप नहीं हो रही है. सारी चीजें इंटीग्रेशन में चलती हैं. फिर इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. देखिए, इसके जैसे ही आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में जहां डेवलपमेंट ऑफ लर्नर शुरू होता है, सबसे पहले वो बताता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फिर वो बताता है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन आपका सिलेबस, देन वो कहता है नेचर नर्चर बैलेंस या नेचर वर्सेस नर्चर या नेचर नर्चर थ्योरी, जो भी है. क्यों? क्योंकि अभी ये बात आ जाएगी कि विकास को कौन ज्यादा प्रभावित कर रहा है, आपका नेचर यानी कि आपकी प्रकृति यानी कि आपकी हेरिडिटी जो आप अपने माता पिता से लेकर आए हैं, या आपका वातावरण जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. तो आप अंततोगत्वा क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि बैलेंसिंग है. हेरिडिटी भी जरूरी है हमारे बेहतर डेवलपमेंट के लिए और एनवायरमेंट भी जरूरी है. दोनों में से कोई भी एक चीज अगर लॉस हो रहा है तो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा. देन इट फॉलोज इंटर रिलेशन, यानी कि जैसे कि इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन का मिलता जुलता प्रिंसिपल है कि हम रिलेशन में चल रहे हैं, कोहरेंट है, ऑर्डरली है. ओके, देन इट इज स्पाइरल वर्सेस लीनियर. मतलब ये नहीं है कि बस एक सीधी रेखा में चलते चले जा रहे हैं, रेखीय नहीं है, चक्रीय है. कैसे चक्रीय? देखिए ये कह रहा है कि इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट. मान लीजिए इस पॉइंट से इसने शुरू किया, थोड़ी दूर जाने के बाद, यहां जाने के बाद, ये देखिए ये जो दोनों स्टेजेस है वो एक ही जगह है ना, थोड़ा यहाँ पे सेटल होता है, प्लेटू की स्थिति आती है, फिर आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सेटलमेंट होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर सेटलमेंट होता है. इस तरीके से स्पाइरल है डेवलपमेंट की गति, स्पाइरल वो पैटर्न फॉलो करता है. मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन, आप कह सकते हैं कि मूव्स बैक, वापस आता है कंसोलिडेट करने के लिए. तो डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर एज देयर इज नो सच लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ इन डेवलपमेंट. फर्स्ट ही मेक्स एडवांसेस इन दिस वे बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन. ये है स्पाइरल होने का कंसेप्ट. स्पाइरल पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन डेवलपमेंट इज अपोज्ड टू लीनियर. ठीक है, ये जो लिया है वो एस के मंगल की किताब से लिया हुआ ये चित्र है. ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इतना ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे. कहाँ पर? नेचर नर्चर बैलेंस पे. तो अब बालक पहले पैदा हुआ, फिर उसका विकास हुआ, फिर उसके विकास को किस सिद्धांतों ने, किन सिद्धांतों पर बेस्ड था वो, और तब नेचर जरूरी है कि नर्चर जरूरी है. फिर हम एक एक डेवलपमेंट पे आएंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट. ओके, तो इस तरह से चलेगा ये. ठीक, सो थैंक यू ऑल. And don't forget to like and subscribe my channel if you like my content, if you like delivery, if you found it worthy. Okay, and join Telegram group 2 for certain things. Okay, that's all from my side.